Kishore's Kebab Comedy Circus. नमस्कार आदाब केम छो सत श्री अकाल वेलकम टू बिग लॉस। हर सीजन में पैसे बढ़ाओ यही है मेरा नारा, आ रहा है बिग लॉस 12। वेलकम टू बिग लॉस 9। सर 12 तो प्लीज 12 बोलिए ना। 12 सर, बिग लॉस भी तो बोलिए। बिग लॉस सर, सब एक साथ बोलिए। सब एक साथ। सर विल मैनेज। ग्रेटेस्ट हीरो, सच्चा नमन, सच्चा नमन, ग्रेटेस्ट हीरो। अंदर कैसे आए? मैं बाहर गया ही नहीं था, मैं बाथरूम के अंदर था। अब तू पिछले सीजन में था, इस सीजन में कैसे आए? भविष्यवाणी थी बाबा की, भविष्यवाणी थी, सीजन आ जाओ मैं भी आ जाऊंगा। टॉयलेट में क्यों छुपे? मेरे को सब क्या बोलते थे घर में? क्या? कीड़ा। कीड़ा टॉयलेट में ही रहता है। वास बंद करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे इस वीक के कॉलर को, फोन लगाया जाए। हाँ, कॉलर को फोन लगाओ। जनता जानना चाहती है, बात करना चाहती है, कॉलर को फोन लगाइए आप। कॉलर को फोन लगाया जाए। कॉलर को फोन लगाइए। कॉलर को फोन लगाते हैं और पूछते हैं क्या है उनके मन में सवाल। हेलो सर, मैं मोनू बोल रहा हूँ और सवाल मैं अपने छोटे भाई सोनू से पूछना चाहूंगा जो साथ वाले कमरे में बैठा ना बिग लॉस देख रहा है। सोनू चुपचाप बता दे रिमोट कहाँ रखा है, मुझे कॉमेडी सर्कस देखना है, बिग लॉस बोर कर रहा है। गलत लाइन जोड़ गई, काट। दूसरे कॉलर का फोन लगाते हैं और पूछते हैं उनके मन के सवाल। सर सवाल तो कोई नहीं, जवाब है। हेलो, मैं सोनू का भाई मोनू बोल रहा हूँ। मोनू रिमोट तेरे बेड के गद्दे के नीचे पड़ा है यार। शो के बारे में कोई सवाल है तो वो पूछिए। वो फिर कभी सर, अभी तो ना थोड़ा बिजी हूँ, कॉमेडी सर्कस देख रहा हूँ ना। बस एक बात बोलनी थी मोनू, जब मेरे कमरे में आए ना पानी का गिलास लेते आना। एक बड़े बुजुर्ग को अगर चुप कराओगे, मुंह बंद करवाओगे तो जंडा बोलती है। करोड़ों लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ। वास नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे मुंह। मैं बकवास कर भी नहीं रहा हूँ, मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलना करते सिरो। चुप रहो। जब मैं काम कर रहा हूँ तो बीच में नहीं बोलना। मैं बीच में कहाँ बोल रहा हूँ? मुंग चा चाली का मुंग साढ़ाई का कामला ढाई ढाई लाना ठेठे ढाई का नहीं छोले छोले किलो तीन बार घोले कर किलो क्या मेरे को भी आता है। तो जाने से पहले मैं बुलाता हूँ से वो प्यार करती है, उसकी पहले ही थी बीविया 3 जलोटा के लोटे में, उसे फंसना ही था क्योंकि उसका नाम है फसलीन। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और लड़की है, बदतमीजी करना नहीं। मैं नहीं करता हूँ, मैं नाड़ी की इज्जत करता हूँ। बिना नाड़ी के मर्द कुछ नहीं है। नाड़ी ढीली हुई पजामा नीचे, इज्जत खत्म। नाड़ी नहीं, नारी। नारी, अच्छा हाँ नारी। वो समझ नहीं करना। हेलो ऐशाना, आपने मुझे टीवी पे देखा होगा। ऑफ कोर्स, मैंने आपको बिग लॉस में देखा है। नहीं बिग लॉस नहीं, दूसरा वीडियो थप्पड़ लाट घूसे वाला। पब्लिक मुझे मार रही है। अरे और जो लोग हाथ मोड़ के ऐसे मारते हैं ना, उसका अलग ही आनंद आता है। और तो ऐसे बाल पकड़ के जब खींचते हैं ना, ओहो, उस भावना को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि मुंह में जूता फंसा होता है ना। बुड्ढे सुन, मेरे बुड्ढे को बुलाना। तुमको फड़ वाला बुड्ढा पसंद नहीं है? और वाला। अब आ रहे हैं वो जिनकी वजह से हारमोनियम की बिक्री में हुआ इजाफा। शर्म से मर जाओ जो है अब तक बिन सजन, क्योंकि आजकल रिमिक्स और रैप इज फॉर किड्स, रियल मैन लाइक भजन। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए लोटा जी के लिए। स्नूप जी, गाना गाया है आपने, आपकी वजह से आपकी मियाँ बिग लॉस में वापस आ गई। बस अब ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से बाहर चली जाओ, ठीक है? सी ओ म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मैं भी आऊं। नाम है म्याऊ। अच्छा नाम है। हां, क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी। कैसी है म्याऊ? वैसे एक बात कहूं म्याऊ, तुम ना किसी का शेर हो ना शायरी हो म्याऊ, तुम मेरे भजनों की डायरी हो म्याऊ। एक बार बताओ, ये शिष्या है आपकी? शी इज माय बे। ओ फिर तो हमारी बहुत जमेगी, क्योंकि मुझे भी लोग बे बोलते हैं। चल बे, निकल बे, हट बे।
वैसे कैसे पटाया इसको, क्यों पटाया? एक तो इनकी इनकम और दूसरे इसके दिन कम। एक मिनट, ये बाप तो राणा जोक है। हाँ तो तू कौन सा नया है बे? हड़प्पा की खुदाई में मोहनजोदड़ो। कुछ भी कहो म्याऊ डार्लिंग, तो मैं देखता ना। इसको देख के मेरे दिल को जिस तरह की आप लोग हड़कड़ कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग का जो बच्चा होगा उसका नाम करिश्मा होगा। क्यों? क्योंकि इस उम्र में करिश्मा ही होते हैं। देखो बाकी सब तो ठीक है, मैं ही बिग लॉस जीतूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं जीतूंगा बिग लॉस, पूरे 365 दिन इंतजार किया है मैंने। अरे बिग लॉस मैं जीतूंगा। अरे मैं जीतूंगा। अरे कैसे बड़ा बाबा उड़े में मेरे को कैसा बता रहा है तू? अरे ऐसे बात करने वाले ऐसे होता हम यो कर लेता हूँ क्या है? बाबा है तो बाबा है, चल पे चल रहा है बाबा है तो। बिग लॉस मैं जीतूंगा। बिग लॉस मैं जीतूंगी। गली 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 गलियों से उठा के लाया मैं तेरे को। देख बिग लॉस नहीं होता ना तो मैं तेरे साथ सेट भी नहीं होती। बे सुन, मेरी फर्नीचर का पॉलिश नहीं बचा था, बाल गोल्डन नहीं करती थी। ए, पपीले के पपीते, चल। पपीले नहीं बेटा, पोपले पपीते। मुझे अपना नहीं पता। बिग लॉस तो मैं ही जीतूंगा। अरे यार बिग लॉस मैं जीतूंगा, मेरे को पता है। अगर देखो मैं नहीं जीता, हथियार है मेरे पास, चाकू मार दूंगा। मेरे पास गिटार है। देखो बिग लॉस वही जीतेगा जो स्टार है। वाह, मैं जीतूंगा बिग लॉस, जनता मेरे साथ है। आप लोग बताइए मैं जीतूंगा ना बिग लॉस? मैं जीतूंगा। मैं आज चमत्कारी बाबा चमत्कार करके बताएंगे आज यहाँ पे सबसे शक्तिशाली कौन है। सोहेल खान साहब से अच्छी बॉडी किसी की नहीं है। आप जितनी ताकत से चाहे मेरा हाथ पकड़ ले, मैं छुड़ा के बता दूंगा। देखना है आपको जादू? एक मिनट छोड़ना, मैं बताता हूँ। एक मिनट छोड़ना, ये देखा छुड़ा के बता दिया। अरे बाबा का चमत्कार है। रुक, मैं जीतूंगा। एक मिनट बिग लॉस, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसको जीता दो, ये बहुत बड़ा पागल है, यही जीतना है। पागलपन का काम है बिग लॉस जीतना। आप जीतेंगे बिग लॉस, बताइए। धन्यवाद। सच्चा नमन, सच्चा नमन, सच्चा नमन, सच्चा नमन। बिग लॉस का तो पता नहीं, लेकिन कॉमेडी सर्कस तो जरूर जीत के जाओगे तुम। फैबुलस। अर्चना जी, करिश्मा, मुबीन, सिद्धार्थ, आपने जो किया वो इतना मजेदार था, आपने इतने मजे लेकर किया है, इसीलिए हमें देखने में इतना मजा आया। थैंक यू गाइज, यू आर वंडरफुल। थैंक यू। चलिए देखते हैं आपके परफॉर्मेंस से आपने कितने पैसे कमाए। मुबीन, सिद्धार्थ और करिश्मा, आपको मिलती है 12 मंद मंद हंसी, 18 हाहाकार और 17 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर लाफो मीटर पर आपको मिलते हैं 2,90,000। नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम और आप खेलेंगे ABC। अमित जी जैसा होस्ट हो तो समझ में आता है कि वो किसी को करोड़पति बना भी सकते हैं, लेकिन होस्ट अगर हमारे फुकरे कॉमेडियन हो तो वो क्या करेंगे? पैसा देंगे या मांगेंगे? गॉड नोस। एक चाचा भाती जी की जोड़ी के साथ खेल रहे हैं हमारे अपने अमित जी। प्लीज वेलकम गौरव अस अमित जी, अभिलाष अस चाचा, इंसाना अस भाती जी। नमस्कार दोस्तों सज्जनों, मैं हूँ अमिताभ बचपन। बचपन सुन के मैं बिक्री कर रहा हूँ। तो हुआ ना अमिताभ बचपन, आई 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 ए, मैं हूँ उनका डुप्लीकेट। अरे यहाँ तो सब डुप्लीकेट बैठे हुए हैं। डीलर मैंडी जी का डुप्लीकेट तबला बजा रहे हैं, अरे सोहेल खान का डुप्लीकेट, अर्चना पूरन सिंह की ओरिजिनल। क्योंकि भैया आपका डुप्लीकेट क्या करेगा, क्योंकि जब ओरिजिनल ही स्ट्रगल कर रही है तो डुप्लीकेट क्या करेगा। हमारे शो में सोहेल साहब आए थे, इन्होंने फटाफट 14 सवालों के जवाब दे दिए। भैया सच्ची में, मेरे भाई ये नहीं आता, दूसरा पूछो, ये नहीं आता, दूसरा पूछो, ये ना मेरे भाई, चौथा पूछो, ये नहीं आता मेरे भाई, ये ना, छठवां पूछो। लेकिन 15वां सवाल जब हमने पूछा तो ये भड़क गए। हमने बस इनसे इतना ही पूछा था, और भाई आजकल कौन सी फिल्म कर रहे हो? कंटेस्टेंट भेजिए। अरे हम तो भूल गए कि कंटेस्टेंट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बाद ही आते हैं, तो जोरदार तालियां फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए।
फास्टर फिंगर फास्ट। अब हम खेलेंगे फास्टर फिंगर फास्ट। ओह माय गॉड। ये किसका फास्टर फिंगर फास्ट है? चूसल पाड़ा से सविता दीदी, क्या ये क्या है ये? हाय क्यों चुल मचा रहे हैं यहाँ पे आप? क्या कर रहे हैं आप? शो की कोई गरिमा होती भाई? हमारे गाने पे आती तो ज्यादा मजा आता है। दोस्तों मैं आपकी ना बहुत बड़ी फैन हूँ। आप तो सदी के महानायक हैं। पता है मैं आपकी सारी फिल्में फॉलो करती हूँ। जब आपकी शहनशाह आई थी तो मैं भी गली में चेन लेके घूमती थी और कहती थी हाय। और जब आपकी बागवान आई थी तो मैंने अपने मम्मी डैडी को घर से बाहर निकाल दिया था। I mean, come on, अगर अमिताभ जी घर से बाहर जा सकते तो मेरी डैडी का मुंह तो मारी तो जैसा है। आप मेरी इतनी बड़ी फैन है ये तो सौभाग्य की बात है आपके लिए। चलिए भैया। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। अरे उधर देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं। हाँ। अगर आप 1 करोड़ रुपया जीत जाते, हालांकि आपकी औकात नहीं है, लेकिन आप जीत जाती हैं तो आप क्या करेंगी? मैं ना धूमधाम से अपनी शादी मनाऊंगी। अरे वाह, किससे करेंगी आप? सलमान खान से। सलमान खान से शादी? अरे भैया जरा कैमरा बंद कीजिए। वेरी गुड। सलमान से शादी करेंगे? सलमान से शादी करेंगे? तू देखा है अपना शेर जैसा मुंह लेके सलमान से शादी करेंगे? सॉरी बोलिए। सॉरी भैया, कैमरा ऑन कीजिए। अरे वाह, सलमान जिसे शादी करेंगे आप, अद्भुत अद्भुत, कितने नेक विचार हैं आपके। वाह वाह वाह, वो तो आपको भाभी कहने कहने के लिए तड़प रहे हैं। वाह। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अरे कंप्यूटर का पासवर्ड क्या था? चढ़ गया ऊपर रे लोटन कबूतर रे। ये खुला क्यों नहीं? अधूरा है। @ गोटोर 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 खुल गया। तो चलिए आपका पहला सवाल। क्या हुआ? बहुत डिफिकल्ट सवाल है। नहीं, मैं स्क्रीन शॉप कर रहा हूँ। साफ हो गया, स्क्रीन साफ हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। शुरू करते हैं। पहला सवाल। जीएसटी जो पास हुआ है वो कैसे पास हुआ है? आपके ऑप्शन से ए पढ़ लिख के पास हुआ है, बी पाई पास हुआ है, सी बाजू से पास हुआ है, या फिर डी। ये कैसा सवाल है? आगे बढ़िए। ऑप्शन डी। ये कैसा सवाल है? आगे बढ़िए। श्योर हैं आप? हाँ श्योर, कॉन्फिडेंट। ओके कंप्यूटर जी, डी पे ताला लगा जाए। ताला, ये देखिए डी पे ताला लगा देते हैं। ये खटाक हो गया, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। ये हम 1,00,000 रुपए का चेक जो है, हम जो है ये जो हम जो है, बहुत बढ़िया। अरे हम तो लेफ्टी है भैया। आए एक मिनट, माफ कीजिएगा, लेफ्टी है। आए क्या लीजिए? ओ अभी नहीं। सविता देवी जी, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहते हैं। आप अपने जीवन में और क्या उपलब्धियां हासिल करना चाहती हैं? अमित जी, जी मैं आपके साथ लॉन्च होना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ
मैं आपसे भी बड़ी स्टार बन सकती हूं। अरे मुझसे भी बड़ी स्टार? जरा कैमरा बंद कर भैया। उससे बड़ी स्टार 40 साल उससे बड़ी स्टार, अरे इस उम्र में आके सूर्यवंशम में जहर वाली खीर खाई तू बनेगी स्टार। सॉरी बोल। सॉरी। कान पकड़। छोड़ो। सॉरी। भैया कैमरा ऑन कर दीजिए। अरे आप जैसे कलाकार अगर हमसे बड़े स्टार बनते हैं तो कितनी गर्व की बात है। वैसे आपके साथ आपके जोड़ीदार आने वाले हैं। हाँ। कौन है वो? मेरी चाचा जी आए हैं। चाचा जी, जोरदार तालियां चाचा जी के लिए। ऐसा लग रहा है आपको यहाँ आके बहुत बढ़िया लग रहा है। ऑडियंस बैठी हुई है, ये अपना बैंड वैंड है और ये जो जजेस बैठे हैं, लाइट वाइट है, सेट है और जो स्वागत आपने किया है ओ हो उसमें मजा नहीं आया। अब कोई सवाल जवाब नहीं होगा, समझे आप? मैं क्या कह रहा था, अमित जी कहाँ गए? हाँ ये रहे, बताइए। मैं कह रहा था इतने बड़े फैन हैं हम आपके, देखो एकदम फ्रेंच कट। अरे लेकिन जब से आपकी देखिए ओ हो 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 मजा नहीं आ रहा है, कल ही कटवा दूँ। अरे चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग हॉट सीट पे बैठे। नर्वस तो नहीं है? अरे कोई डरने वाली क्या बात है, अपना घर की सी बात है, क्यों जी है? पक्का नहीं डर रहे हैं? ना ना ना। डरिए मत, हम आपके साथ हैं। थोड़ा हल्का सा दिल जैसे घबराया सा है, गला सूखा सा है, लेकिन आपके डराने में जो है ना ओ हो मजा नहीं आया यार। हम गाना सुनते हैं चाचा जी, गाना। हाँ भाई गाना तो बनता है अमित जी, गाना बनता है। अरे नहीं अब उम्र किस पर, चार लाइन, चार लाइन, मुखड़ा मुखड़ा हो जाए बस। है मैं मुखड़ा सुना देता हूँ बेटा। जो मैंने गाना गाया इसने डांस किया, लेकिन जो आपने डांस किया ओ हो मजा नहीं आया। हमारे डांस में आपको मजा नहीं आया? हल्का यो मैं। भैया जरा कैमरा बंद करिए। बंद कर। नहीं मैं ये कह रहा हूँ जो आप आए आपने से लाते वाते मारी है, जो लाते थी उसमें बहुत ज्यादा जोर था, लेकिन खाने के बाद वो है ना मजा नहीं। आपको मेरी लात में मजा नहीं आया? हेलो भैया। Oh my God, Chacha ji is in pieces. कैमरा ऑन करो। तो भैया अगला सवाल है। बहुत सिंपल है, इसका आंसर डी है, लॉक कर दो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बिना प्रश्न के जवाब कैसे आया? सीट बदल गई है आपके। अरे बप्पा सीट बदल। गेम के आप ऐसे पड़ाव पे आ चुके हैं, फाइनल क्वेश्चन है। चलिए बताइए सदी का महानायक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए अमित जी, बी सलमान खान, सी शाहरुख खान या फिर डी आमिर खान। मुझे आता है। कौन 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 से आता है? मुझे आता है। कौन माय हैं? तो आप लोग सोचिए हम गाना गा रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि डी है, आमिर खान इज द राइट आंसर। आमिर खान मेरा फेवरेट एक्टर है। कंप्यूटर जी इनकी पहली लाइफलाइन यूज किया जाए। 50-50 दो गलत जवाब, मिटा दीजिए। भैया आपके आमिर तो मिट गए, अब बचा है ए अमिताभ, बी सलमान। ए बी, ए बी सोचिए, ए बी सोचिए, ए बी। अरे 1 करोड़ अपने हो गए बच्चे, मेरे को बताए, बहुत बहुत मुबारक हो। अब भी सलमान खान पे ताला लगा दो। सलमान खान। सलमान खान। श्योर है आप? 100%। कंप्यूटर महाशय ये अपनी आखिरी लाइफलाइन फोन ऑफ फ्रेंड यूज करना चाहते हैं, कॉल किया जाए उसे। जी 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 जी, किसे फोन करना चाहते हैं?
अब फ्री कौन बैठा होगा? सोहेल खान. हाँ. सोहेल खान पर फोन करते हैं, वो उठाएगा. बेटो जी, सोहेल जी को फोन लगाइए. सोहेल जी नमस्कार, मैं अमित जी बोल रहा हूँ. हाँ आए. अगली आवाज बहुत ही गंदी होगी, कृपया बर्दाश्त कर लीजिएगा. ये रही उनकी आवाज. हेलो, मैं बोल रहा हूँ कि ये सवाल है कि जो है सदी का महानायक कौन है? ए इन्होंने कहा है सलमान, बी कोई क्या बताया? कुछ चीजें करनी पड़ती, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती, बट यू नो व्हाट, आप लोग आते हो जब आप लोग मुझे कुछ समझ लिया था. you know what? कितने सेकंड बचे? ये 2 सेकंड रह रहे पूरे. अच्छा सुनो सुनो सुनो. हाँ. All the best. Hey! ये लाइफलाइन भी खत्म हो गई. अब ये मेरा फाइनल आंसर है. hey. आप सलमान खान को लॉक करो. लॉक करो अभी अभी. कंप्यूटर महाशय. यस. अमित जी को ताला लगा जाए. बहुत बढ़िया. 1 करोड़ रुपया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मोहतरमा, चेक लेके आइए. मोहतरमा अभी लाई. अमित जी चेक लीजिए. अरे लाइए लाइए. थैंक यू चाहिए से भागी हटिए. 1 करोड़ रुपए का चेक भैया. तालियां बजती रहनी चाहिए. अगर बाप में दम हो तो ये चेक बैंक में डाल के दिखाओ. आया? यार ये गेम खेलने में तो बिल्कुल मजा नहीं आया. Oh my God. क्या जी सब बताइए, आपको मजा आया या नहीं? अर्चना जी मजा नहीं आया. तो इसलिए मैं यही कहूंगी. थैंक यू मैम. अभिलाष, सना, अमित जी, you guys were fabulous. आज का, again, no offense, but the best act till. आइए देखते हैं करोड़पति पर जोक करने वाली टीम कितनी बानी लाख पाती. गौरव, साना और अभिलाष, आपको मिलती है 12 मंद मंद हंसी, 17 हाहाकार और 20 फेफड़ा फाड़. तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपको मिलते हैं 3,15,000. सबसे बड़े प्लेटफॉर्म इंडियन आइडल के मंच पर एक कंटेस्टेंट दिखाने आ रहा है अपनी कला, जिसे देखकर संगीत के जजेस आनु लालित और नेहा टक्कर कहीं डब्बा न ले अपना गाला. तो देखते हैं इंडियन आइडल के मंच पर आग लगेगी या सिंगर के मुख पे लगेगा ताला. प्लीज वेलकम बलराज एज कंटेस्टेंट, आदिति एज जज आनु जी एंड दिव्यांश एज जज नेहा जी. बहुत साल पहले यहाँ एक जंगल हुआ करता था. उस जंगल में परिंदों का एक झुंड रहता था. फिर मैंने जंगल काट दिया, सारे परिंदे उड़ गए. आज मैं सिर्फ जनता से बात करूंगा, क्योंकि जनता ही है जो स्टार बनाती है. तो बताओ जनता, मैं हूँ इस शो का सबसे बड़ा स्टार. हेलो मम्मी. मम्मी. मम्मी, इंडियन आइडल के ऑडिशन देने आया हूँ. नहीं नहीं मम्मी, आप सिर्फ आशीर्वाद दो, पैसे मैंने आपके बटुए से निकाल लिए थे. मुझे रॉकस्टार बनना है सोहेल भाई, लेकिन मेरे को कोई सिलेक्ट ही नहीं करता ऑडिशन में. इतने ऑडिशन दिए हैं, पर आप मेरे ऑडिशन की टेप चला दो ना, 200 एपिसोड का सीरियल बन जाए. पता है मेरे को लेता ही कोई नहीं. सोहेल भाई, आपने आज तक कितनी फिल्में की हैं? 17. एक फिल्म टोटल कितने घंटे की होती है ऑन एन एवरेज? 2-2.5 घंटे की. मतलब तकरीबन आपने 50 घंटे जी इंडस्ट्री में 50 घंटे काम करके जज बन गए, देख लो. बट मेरे को एक चीज बड़ी अजीब लगती है रियलिटी शो की, जज आपस में लड़ते रहते. पता है बड़े अजीब है, लड़ने वाले क्या बात है, हमारे शो के जज देखो कितने प्यार से बैठे रहते हैं आपस में. मैंने ना बड़ी रिसर्च की, मैंने कहा सोहेल भाई और अजय लड़ते क्यों नहीं आपस में, उसके पीछे एक कारण है. सोहेल भाई को पता है कि इनके बाइसेप बड़े हैं, और इनको पता है कि उनके भाई साहब बड़े हैं, इसलिए लड़ते नहीं आपस में. सोहेल भाई, मैं ऑडिशन दे दे के फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ. पता है ये तो दाढ़ी वाड़ी लगा देते, मेकअप करते इसलिए थोड़ा ठीक दिखता हूँ, नहीं तो बिना मेकअप के मैं सेम उतना ही गंदा दिखता हूँ जितना मुबीन मेकअप के बाद.
दो दो करोड़ की गाड़ियों में घूमता है, लेकिन लोग मानते नहीं इसकी अपनी, पता है? सच बता रहा हूँ। एक बार ना ऐसे अपनी 2 करोड़ की गाड़ी की पिछली सीट से उतरा, हाँ। तो एक बच्चा आके बोलता है, ड्राइवर अंकल स्टीयरिंग पिछली सीट पे लगा हुआ है। आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। सर जी एक बात बताओ, अगर बच्चे को पोलियो की बूंदे पिलानी तो केबीसी में जाओ, बच्चन साहब वहां बैठते हैं। ये सिंगिंग शो के ऑडिशन चल रहे हैं यहाँ पे। तुमने मुझे पहचाना नहीं? ऐसे लग रहा है लिफ्ट के बीच में किसी का हाथ आगे होता है। ए मेरी जान कुछ तो बोल, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं फरहान ऋतिक और अभय देओल। सर मैंने पहचान लिया आपको, आप वही हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को बड़े बड़े हिट शेयर दिए। शेयर? मेरे हिट गाने नहीं सुने, इतने बड़े बड़े गाने दिए मैंने। सर हमारे जजों ने बड़ी बड़ी फिल्में दी, हमने वो नहीं देखी। अकेले आ गए, बट्टी को ले गए। एक्सक्यूज मी, मैं इस शो की जज हूँ, समझे? So sweet. लगता है इसे गाना ही सुनाना पड़ेगा। Come on, baby. कितनी बार कहा है नेहा, अपने से बड़ा माइक मत पकड़ा करो। देखा ना, तार फसाली, तार फसाली, तार फसाली। जनता का प्यार है, जनता का प्यार है, सोहेल भाई, जनता जनार्दन, 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 आपका अंगी हो गया हो। क्या मतलब? मतलब अगर बलराज की मिमिक्री होगी हो तो हम ऑडिशन शुरू कर लें। विशाल जी तो आए ही नहीं है, तो फिर कैसे शुरू करेंगे ऑडिशन? अन्नू जी, विशाल जी का ऑडिशन नहीं लेना, इसका ऑडिशन लेना है। ओ, तो फिर आइए ना। मैम कैसा लगा मेरा गाना? आप उसी पानी में डूब के मर जाइए। क्योंकि आपने बहुत बेसुरा गाया। अरे क्यों? इतना तो सुर में था इसका गाना। अरे इतना तो बुरा गाया। अरे क्या बोल रही हो, इतना तो अच्छा गा रहा है आतिफ, सुन ना ये ले सुन। अरे यार मैं क्या के गाने की बात कर रही हूँ। मैम एक और गाना सुनाऊं? चलो सुनाओ। मैं आपको हक करना चाहती हूँ। तेरी, तेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरा गाना खराब करने की? पिटाई बहुत हो गई, और हमारे शो में जो चलता है वो कुछ सुनाओ। जी। मैं बड़ा गरीब हूँ सुहेल भाई, हम इतने ज्यादा गरीब हैं। मेरा भाई एग्जाम में फर्स्ट आया तो पुलिस की रेड पड़ गई घर पे, कहते सालों बादाम लेने के पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, पक्का चोरी की होगी तुमने। बादाम, बादाम, ये जो मैं हूँ ना बादाम। नहीं नहीं वो और होते, तुम बदनाम हो। सुहेल भाई आप बादाम खिलाते रहते हो, उसको फर्क तो बता दिया करो क्या होता है। हम इतने ज्यादा गरीब है मैडम, 1 साल में सिर्फ 1 बार ही यूरोप टूर पे जा पाते हैं। बहुत ज्यादा गरीब है मैडम। आपके आपके दुखड़े पर 4 लाइनें अर्ज की है मैंने। जी बज रहे हैं शाम के 5, तेरी परफॉर्मेंस की तो CID कर सकता है जांच। बाबा आग लगा दी, आग लगा दी। अबे क्या लिखता है अन्नू, क्या लिखता है, बेअक्ल है कोई? एक शेर मैं भी सुनाऊं आपके लिए। इरशाद आपके सारे शेर इकट्ठे करके एक लाइब्रेरी बना दूंगा। वाह मेरी जान, वाह, तेरे पे प्यार आ रहा है। आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, कम ऑन। वाह वाह वाह, कम ऑन। आपके सारे शेर इकट्ठे करके एक लाइब्रेरी बना दूंगा। वाह वाह। उस पे पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। सर मेरे को शो में लेंगे आप के नहीं लेंगे? नहीं, आप मुंबई नहीं आ सकते। नहीं लेना शो में तो ना लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अर्चना जी आप क्या बोलेंगे? बलराज, अदिति, दिव्यांश, आप तीनों ने बहुत बहुत बढ़िया किया, बट स्पेशल मेंशन टुडे फॉर अदिति एंड दिव्यांश, माइंड ब्लोइंग बोथ ऑफ यू। सहजी, बलराज हमेशा आके अपनी टीम को डोमिनेट करता था, ये पहली बार है जो मैंने देखा है दैट यू अदिति, आपने कभी अपने एक्सप्रेशन नहीं छोड़े। रिएक्शंस वर फैंटास्टिक, रिएक्शंस वर फैबुलस, सुपर्ब है, सुपर्ब। थैंक यू सर। आइए देखते हैं हमारे इंडियन आइडल ने कितने पैसे कमाए। बलराज, अदिति और दिव्यांश, आपको मिलती है 12 मंद मंद हंसी, 20 हाहाकार और 18 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपको मिलते हैं 3,10,000। Well deserved.
टॉयलेट एक प्रेम कथा के बाद लोगों ने टॉयलेट से प्रेम करना शुरू कर दिया है और अब देश में लोटा पार्टी बंद हो गई है। ऐसा ही एक रियलिटी शो आ रहा है कॉमेडी सर्कस के मंच पे, टैलेंट कैसा होगा आप ही देख लीजिए। प्लीज वेलकम पारितोष एस हिरन, अनिता एस चैनल वाली एंड ओजस्वी एस कंटेस्टेंट। बदतमीज, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? मैंने मुंह में कोनी डाल के हाथ तक खोल देनी है बदतमीज कहीं के। माँ दला डला। माना कि हमारा शो 2 साल बाद आ रहा है, इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि सिक्योरिटी वाले मुझे धक्के मारेंगे। बदतमीज, मुझे तो रोना ही आ गया। अर्चना तुझ पे मेरा 2 साल बाद आया है तो धक्का मार रहे हैं, तेरा 4 साल बाद आया है पक्का मुक्का मारा होगा, है ना? पता है सोहेल के साथ कोई दिक्कत नहीं होती है, वो सिक्योरिटी को आराम से शेरा की फोटो दिखा के अंदर आ जाता है। नहीं नहीं, दिखाने को सलमान की भी दिखा सकता है, पर सिक्योरिटी को अपने सेठ से मतलब है, सेठ के सेठ से थोड़ी लेना देना है। हेलो, हाँ निकुल कहाँ? 4 नंबर पे है ना? अरे कनेक्ट ही नहीं हो रहा, पता नहीं किससे। करिश्मा तो यहाँ है, फिर निकुल किससे बात कर रहा है? सना से। छी, गंदा टेस्ट है। अरे चिकन टिक्का का जो मैंने ऑर्डर किया था। हेलो हेर दीदी। हेर दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सेट है ये, निकलो यहाँ से। ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? मैंने तो अपना डिंपल भी आधार से लिंक करवा लिया, फिर लोग क्यों नहीं पहचान रहे? तूने मैंने नहीं पहचाना? ऐ देख ये गजरे, देख ये पल्लू, देख। ओ रेखा जी, सलामेश। नहीं 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 नहीं, उनके तो पैरों के घुंघरू भी आपके मुंह से सुंदर है। पुत्र तू पहचानना छोड़, ये बता मैं तेरे बाल पकड़ सकती हूँ? क्यों? आपका मुंह गोड्डे में मारना है बदतमीज कहीं के। मैंने थप्पड़ मार देनी है, मैंने पिल्लू फाड़ लेनी है, मैंने टेबल मार देना मुंह पे बदतमीज। ये देख ये देख। अरे ये बदतमीज बोलना था, थप्पड़ की बात करनी थी, पहचान जाते। अब बता मैं सिलेक्ट हुई कि नहीं? अरे पर आप कंटेस्टेंट नहीं है, आप जज हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। एक मिनट, मैं बिना बात के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। तो ठीक है, फिर आप जज भी नहीं है। ऐ हुई बात, अब साइन करती हूँ, आ जाओ। एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। बताइए। मुझे जो 3 पहिये वाला वैन दोगे उसको साफ साफ बताओगे कि ऑटो है। ये तो बड़ा अजीब लगता है ना, मैं ऐसे अपना वैन लेके आती हूँ, पीछे 3 लोग बैठे रहते हैं, और अगर मुझे ऑटो दे रहे हो तो मुझे बिल्ला भी दोगे, वो नाके पे रोक लेते हैं ना। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त मेरी ये है, चलते एक्ट में कोई खोते दा पुत्र नहीं कहेगा कि खाना खुल गया है। फिर मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहता है खाने पे। एक बार किसी बदतमीज ने बता दिया, मैं जलते कोयले के ऊपर से चली गई, रोटी से ज्यादा मैं तंदूर हुई थी उस दिन। ठीक है, मैं सारी शर्तें मानूंगी, मैं अभी कंटेस्टेंट भिजवाती हूँ। ठीक है, तो हमारी पहली टैलेंट आ रही है छत्तीसगढ़ से, प्रिया। बस नमस्ते मैडम। आपने जो अपना टैलेंट दिखाया है। नहीं 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 मैडम, अभी तो मैंने टैलेंट दिखाई का है। नहीं नहीं बेटा, आपका ये चिंगारी वाला नमस्ते ही सबसे बड़ा टैलेंट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज स्टेज पे मेरी बेइज्जती हो रही है? उत्तर, बेइज्जती पहले एपिसोड से हो रही है, लग आज रहा है। हाँ बोलो, क्या कर लेती हो पुत्र? मैं ईंट पत्थर खा सकती हूँ। ये तो बलराज भी खा लेता है। हमें टैलेंटेड लोग चाहिए, भूख खड़े नहीं चाहिए। और कुछ कर सकती हो? हाँ मैं टांगों से ट्रक रोक सकती हूँ। ये नया है, हाँ? एक बार दिखाना। उत्तर, ऐसे कभी मत रोकना, उसमें क्या है ना, ट्रक रुक जाता है, ट्रक वाला नहीं रुकता है। अरे वो फिर नंबर लेके जाता है ना अर्चना जी? देखो ट्रक वाला इनकार कर रहा है, पर बात तो सच है। हाँ जी पुत्र, और क्या कर लेते हो आप? और हाँ, और मैं शीशा भी तो खा सकती हूँ। ये बहुत अच्छा करते हो आप, अपने घर के सारे शीशे खा जाओ, क्योंकि जैसी शक्ल है ना, देखने लायक तो है नहीं पुत्र। सुनो इधर आओ, एज बड़ी बहन सलाह देती हूँ, आप में सब कुछ ठीक है, बस एक चीज की कमी, आप वो ले लो। क्या 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 क्या? एग्जिट। सीधा जाना, लेफ्ट लेना, सीधे जाओ।
अगले टैलेंट है? नहीं नहीं और भी बहुत टैलेंट है। कौन है? अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, अभिलाष। ए खड़े हो ना। ये पिछले साल भी आया था, मुझसे कहता मैं नाटकों में तीर बनता हूँ। मैंने कहा पुत्र मुझे पता है तू वही उड़ता तीर है जिसे गौरव ने ले रखा है। अपनी टीम में पागल और कौन है? बलराज है, वो भी बहुत टैलेंटेड है। ना ना उससे मत बुला, वो पिछले साल भी आया था, मुझसे कहता है न, न, न। मैंने कहा पुत्र आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या है उसमें बात करो। मुझसे कहता है सिद्धार्थ पुत्र सुन ले, पार्ट टाइम औरत बनने वाले इंसान सुन तो ले। मुझसे कहता है मुझे ले लो, मेरी नाक दुनिया में सबसे चौड़ी है। मैंने कहा बेटा इसमें तेरा क्या टैलेंट है? टैलेंट तो उस ड्राइवर का है जो नाक के ऊपर से ट्रक ले गया है। कोई ढंग का तो भेजो। अरे बाहर बहुत ढंग के हैं, भेजती हूं। जब ढंग के हैं तो बाहर क्यों रखा है? चुप करो, भेजती हूं। हमारी अगली टैलेंट आ रही है इलाहाबाद से, शब्बू। नहीं नहीं उससे नहीं देखा जाएगा। अरे बेटा जी अभी तक मैंने कोई करतब दिखाया कहाँ है? आपने अपनी शक्ल तो दिखाई ना, वही देखने लायक नहीं है। एक बात बताओ, आप कभी बदन पे बेसन लपेट के खोलते तेल में कूदे हो क्या? नहीं। तो फिर आपका मुंह पकौड़े जैसा क्यों है? बता कहाँ से आई है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? इलाहाबाद में तो तीन तीन नदियां हैं, कोई ढंग का देख के मर क्यों नहीं जाती हो? एक मिनट, इलाहाबाद का क्या फेमस है? अमरूद। इलाहाबाद के अमरूद तक फेमस हो गए गौरव, तू कब होगा बेटा? और बताओ कुछ करना आता है? तुम जो कहोगे बेटा मैं वही कर दूंगी। अच्छा एक काम करो, आप वो कर सकती हो अपना मलाई तोड़ सकती हो? आए बेटा। और आपके हाथ तो मना कर रहे हैं। आजकल मेरी बॉडी की मेरे साथ बन नहीं रही है, कल तो मेरे मुंह ने मुझे ही गाली सुना दी। बेटा आए बेटा I'm ready। कर लोगी? ठीक है चलो एक बर्फ की सिल्ली मंगाओ। बर्फ की क्यों? तुमने तो कहा मलाई तोड़नी है। इतना खतरनाक स्टंट करोगी आपको सिल्ली पे लिटाना पड़ेगा ना। कुछ रिश्तेदार दूर रहते हैं, पार्थिव शरीर का दर्शन करने में 3 दिन लग जाते हैं ना। अच्छा मेरे बहाने तुम अपना स्टंट दिखा रहे हो, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। बेटी 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 मेरे माँ का अपमान किया, मेरे माँ का अपमान किया, मैं स्टंट करूंगी। अच्छा मैं 100 किलो बर्फ की सीली पीठ पे तुड़वाऊंगी मगर तेरी। गरम करछी एक डिंपल से दूसरे डिंपल से निकालूंगी मगर मेरे। बात तमीज, मैं थप्पड़ मार लूंगी अपने मुंह पे, मुंह सुजा लूंगी ताकि मैं पहचान में नहीं आऊं। मुझे इस पे गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा जुआना पे आ रहा है। करम जली मेरी जिंदगी का बजर बच जाएगा तब आएगी क्या? मैं अपना स्कूटर स्टार्ट करती हूँ और जाती हूँ। अर्चना जी मुझे बस ये जानना है इस रियलिटी शो में आप ऑडिशन देना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता मुझे ऐसे शो में चांस मिलेगा, तो ऑडिशन देने का फायदा ही नहीं है। हुनर, अरे बाबा ये लोग दिखा रहे थे अपना हुनर, ओजस्वी अनीता एंड परितोष, थरली इंजॉयबल, बहुत मजा, और तुमने जी जान लगा दी परितोष। All three of you were so good in this act, really. Thank you. Sahil ji, मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर ऐसे judges होंगे, तो फिर contestants की कोई ज़रूरत नहीं है। You guys were fabulous, fabulous. Thank you. अभी हम देखते हैं इस talent को कितने पैसे दिए आपने। पारितोष अनीता और ओजस्वी आपको मिलती है 10 मंद मंद हंसी, 17 हाहाकार और 19 फेफड़ा फाड़, तो कुल मिलाकर लाफो मीटर पर आपको मिलते हैं 3 लाख। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। इंडिया हमारे जजेस के साथ आज आपने भी खूब जमकर ठहाके लगाए होंगे और प्राइज जीते होंगे। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, क्या पता कल होना हो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स।